हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज का वीडियो इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा सभी इग्नू के स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए देख लेते हैं गाइज आज का अर्जेंट अपडेट, एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूं कि आपका री एवोल्यूशन का रिजल्ट कल फिर से एक बार अपडेट किया गया है, 26 जुलाई को आप देख सकते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने पेपर को री एवोल्यूशन में डाला था, सभी स्टूडेंट्स अपना यहाँ पर री एवोल्यूशन का रिजल्ट चेक कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड मैं आपको बता दूँ जिन स्टूडेंट्स का नहीं आया होगा अपडेट, वो नेक्स्ट अपडेट का वेट करेंगे, बिकॉज जब से आपने अप्लाई किया है देन आपका 1.5 मंथ लग जाता है अपडेट आने में। सो इस अपडेट में नहीं आया होगा आपका रिजल्ट तो वेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा, फाइन। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपका दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट 25 जुलाई को ही अपडेट किया गया था, 26 जुलाई को सिर्फ री एवोल्यूशन का अपडेट आया है, राइट। तो सभी स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड चलिए बढ़ जाते हैं आज के अर्जेंट अपडेट के ऊपर। सो गाइज, आपके पास सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपका री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 सेशन के लिए, जो कि लास्ट डेट है आपका 31 जुलाई, और आज हो गया आपका 27 जुलाई। तो सिर्फ आज से 4 दिन बच गए हैं। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया देन इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है, बिकॉज बहुत बार डेट एक्सटेंड किया जा चुका है, राइट। सो जल्दी से जल्दी जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक जुलाई 2022 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, तो री रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लीजिए। इसी पोर्टल के थ्रू आपका री रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पर पॉपअप को फिल करके प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे देन आप री रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एंड मैं आपको बता दूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंपल्सरी होता है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मीन्स नेक्स्ट सेमेस्टर और नेक्स्ट ईयर में नहीं जा पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना, जो कि आपके लिए कंपलसरी होता है, आप समझ सकते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है री रजिस्ट्रेशन, जल्दी से जल्दी कर ले, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इसकी प्रोसेस नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। सो ये आखिरी मौका है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जल्दी से जल्दी कर लीजिए री रजिस्ट्रेशन, 31 जुलाई आपका लास्ट डेट रखा गया है। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट सबमिशन नहीं कर पाए हैं अभी तक, बिकॉज आपका 20 जुलाई आपको लास्ट मौका दिया गया था जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन करने का, जो कि आपका डेट एंड हो चुका है। क्या कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट को नहीं सबमिट किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, बिकॉज अब आपका डेट एक्सपायर कर चुका है। अगर कोई बचे हुए स्टूडेंट्स हैं तो हमें जरूर इन्फॉर्म करें। सो गाइस, जल्दी से जल्दी ये वाला काम आप कर लीजिए। तो यही सब था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि आप सभी स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। तो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।